आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, जहां विधानसभा में बलौदाबाजार हिंसा पर हंगामा हुआ है, विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की है। चर्चा की मांग को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। सत्ता पक्ष ने न्यायिक जांच की मांग की है और इस पूरे मामले को अब सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष ने भी उठाया है। आप ये देखिए कि सत्ता पक्ष ने न्यायिक आयोग की जांच का हवाला देकर चर्चा नहीं करने की बात कही थी। अजय चंद्राकर ने कहा स्थगन स्वीकार करने योग्य नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने अजय चंद्राकर की आपत्ति खारिज की। बड़ी खबर आपको देना है, विधानसभा में बलौदाबाजार हिंसा पर हंगामा हुआ, जबरदस्त विपक्ष ने हंगामा किया है। विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की और चर्चा की मांग को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने भिड़ गए। सदन में वन भूमि पट्टा पर भी हंगामा हुआ। वन भूमि पट्टा फर्जीवाड़ा मुद्दा सदन में उठाया गया और कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने उठाया मुद्दा, जहां मैनपुर के शोभा गांव में फर्जी मांग पत्र बनाए गए हैं। भूपेश बघेल उमेश पटेल ने जांच की मांग की है, समिति गठित कर मामले की जांच की मांग की गई है। बड़ी खबर, जहां सदन में वन भूमि पट्टा पर भी जबरदस्त हंगामा विपक्ष ने किया है। और संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गए रायपुर से। आकाश, सदन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही, क्या क्या मुद्दे उठाए विपक्ष ने? जी बिल्कुल, काफी हंगामेदार जो है सदन की कार्रवाई रही है। विधानसभा का सत्र जो चल रहा है, इसमें विपक्ष ने बलौदाबाजार हिंसा का मुद्दा उठाया, इसमें जांच की मांग की है। उन्होंने विपक्ष का साफ तौर पर कहना था, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुद्दे को उठाया, नेता प्रतिपक्ष जो है चरणदास महंत और तमाम विपक्षी विधायकों ने जमकर जो हंगामा किया है और उसमें मुद्दा जो उठाया है उसमें कहा है सीधे तौर पर कि इसमें जाँच सही तरीके से नहीं हो रही है, जो निर्दोष हैं उनको उठाया जा रहा है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, किस तरीके से भीड़ जो है वो आक्रोशित हो गया और वहां पर जो है घटना स्थल पर पहुंचा, एसपी कार्यालय कलेक्टर कार्यालय को जला दिया गया, जो इतिहास में पहली बार हुआ है, ये प्लानिंग के तहत की गई और जो दोषियों को है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, निर्दोषों पर कार्रवाई हो रही है। इस तरीके से जो हंगामा लगातार होता रहा है और मुद्दा उठा है, सत्ता पक्ष ने जवाब दिया है कि जो है कार्रवाई सही तरीके से हो रही है, इस पर तमाम जो है वो बातें हुई है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर वन भूमि पट्टे को लेकर भी मांग उठाई गई है जांच की, जहाँ पर मैनपुर के शोभा गांव में फर्जी मांग पत्र बनाए गए हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तमाम मुद्दे उठे हैं और सीधे नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर आ चुके हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं इसमें। पूछेंगे कि मैं शुरू करूं तो अभी आपको सुनाएंगे कि नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ इसमें बोलते हैं। सदन के ध्यान में, आप सब लोगों के ध्यान में लाया कि ये सरकार हम लोगों को बेवकूफ़ बनाती है तो बनाती है। अयोध्या में जाकर लाल लला जी के पास शिवरी नारायण के बेर करके जो वहाँ प्रसाद चढ़ाया गया, वो हम सब के आस्था को भी उद्वेलित कर रहा है, हमारे विश्वास जो राम जी के प्रति, हमारी श्रद्धा जो राम जी के प्रति है, उसे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जब सदन के नेता दर्शन करने जा रहे हों तो सदन के सभी साथियों को ले जाना चाहिए, उसमें कांग्रेस और भाजपा का प्रश्न नहीं होना चाहिए। हमारे भी लोग दर्शन करना चाहते हैं, हमारे भी लोग जाना चाहते हैं, मगर आप सिर्फ दिखावे के लिए, मुझे वहाँ डिस्टर्ब किया गया इसलिए मैंने नहीं कहा। मैं आपके सामने पूछ सकता हूँ कि कौन कौन मंत्री आज तक शिवरी नारायण गए हैं, कौन कौन मंत्री आज तक शिवरी नारायण में के पास। जो कांग्रेस करेगी विधानसभा का घेराव, जहां 24 जुलाई को कांग्रेस का विधानसभा घेराव है, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी इसमें शामिल होंगे। घेराव के लिए हर ब्लॉक से कार्यकर्ता आएंगे। कांग्रेस पार्टी का घेराव बहुत शांतिपूर्ण रहेगा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जानकारी दी है। तो खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर कांग्रेस करेगी विधानसभा का घेराव। 24 जुलाई को कांग्रेस का विधानसभा घेराव होना है, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे। तो ये घेराव के लिए हर ब्लॉक से कार्यकर्ता आएंगे। कांग्रेस पार्टी का घेराव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जानकारी दी है। विधानसभा घेराव के लिए पूरे प्रदेश भर से, हमारे हर ब्लॉकों से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता
शामिल हो रहे हैं और हमारा घेराव शांतिपूर्वक रहेगा। बिगड़ती कानून व्यवस्था और लचर कानून व्यवस्था को लेकर, और इसमें विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी उपस्थित रहेंगे, और इसके साथ AICC के सेक्रेटरी, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कोई AICC का और नेता है अभी चर्चा है। केंद्रीय बजट पर बोले दीपक बैज, जिस बजट से जनता को कोई उम्मीद नहीं, बीजेपी सरकार बनते ही देश में महंगाई बढ़ गई है, दूध दही पर टैक्स लगा दिया गया। दीपक बैज ने बयान दिया, आटा चावल नमक सभी पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, बजट में दूध दही पर भी टैक्स दूध दही से हटाना चाहिए। से देश की जनता तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जैसे ही तीसरी टर्म तो न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। मुंगेली में प्रदूषण फैलाने वाली वाइन फैक्ट्री से हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने कहा कि फैक्ट्री संचालक पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपायों की जानकारी दे। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका मानकर सुनवाई की। शिवनाथ नदी में जहरीला केमिकल डालने का मामला है, नदी में मछलियों और मवेशियों की मौत हो गई थी, तो जटी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और उसके बाद एक्शन लिया गया। और संवाददाता उमेश मौर्य जुड़े। उमेश, स्वतः संज्ञान लिया था हाईकोर्ट ने और इस मामले में जांच की बात कही गई थी, क्या कुछ निकलकर सामने आया सुनवाई में? निश्चित रूप से रेनू, आज इस पूरे मामले की जो हाईकोर्ट में जो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच है उस पर सुनवाई हुई है, और इसमें मुख्य रूप से जो पर्यटन मंडल के सचिव थे, मुंगेली जिले के कलेक्टर SP को तलब किया गया था, उनसे जवाब मांगा गया था, जिसमें पर्यटन मंडल ने ये जवाब दिया कि अप्रैल माह में जो संबंधित फैक्ट्री है भाटिया वाइन फैक्ट्री, इसको नोटिस जारी किया गया था लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया। वहीं जो फैक्ट्री संचालक है उनके वकील ने ये जवाब पेश किया कि उनको इस तरह की कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली थी। इसके साथ ही जो तालाब जो नदी में जो मछलियां मरी हैं वो कोई और वहां पर लाकर फेंक दिया है। फिलहाल हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर जो फैक्ट्री संचालक है उससे जवाब तलब किया और उनसे ये जवाब मांगा है कि आखिर पर्यावरण से बचाव के क्या कुछ उपाय उनके पास है, वो 2 हफ्ते के भीतर हाईकोर्ट में वो जवाब पेश करें। फिलहाल देखना होगा कि अगले 2 सप्ताह बाद फिर से इस मामले की सुनवाई हुई क्या कुछ जवाब पेश किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वतः संज्ञान लेते हुए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।